हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है ये एक व्यंगात्मक रूप में हमारे व्यंगात रूप में गद्य का एक प्रारूप है। और इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी, जिन्होंने एक व्यंग लिखा है। और व्यंग का तात्पर्य जो हम लेते हैं वो होता है किसी बात पर या किसी विषय पर कटाक्ष करना, यानी अपने विचारों को जो है उसकी कमियों के साथ उसे उजागर करते हैं, तो एक व्यंग का रूप माना जाता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे एक बस की यात्रा है, तो बस के यात्रा के दौरान जो आने वाली समस्याएं हैं या जो बस की स्थिति है उस पर व्यंग किया जा रहा है। और जो यहाँ देख रहे हैं कि जो बस की जो कंपनी है उसके जो हिस्सेदार लोग हैं या उसके बस के जो हिस्सेदार लोग हैं वो बस को बड़े ही सही ढंग रूप से उसको कहने में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, जबकि इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है कि जहाँ एक बहुत पुरानी बस जो है उसमें यात्रा करवाई जाती है, लेकिन जो बस होती है इसी खस्ताहाल स्थिति में आगे जाकर रुक सी जाती है। और जो इसमें मित्र लोग जो हैं जो सवारी कर रहे होते हैं उन्हें कितनी तकलीफ़ों से गुजर कर होना पड़ता है, तो आगे हम इस पार्ट के जरिए जानेंगे बस की यात्रा। कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी इस समय की बस से यात्रा करने से उन्हें अगले समय में जो ट्रेन मिलनी थी वो आसानी से मिल सकती है। तो यानी शाम के समय 4 बजे इन्होंने जाने का योजना बनाई है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर जा हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, ये बस डाकिन है। अब देखिए, लोगों ने भी उस बस के बारे में काफ़ी समझाया कि जो समझदार आदमी होते हैं कि इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि शाम को जो है बस जाती है, जो हम जिस बस का जिक्र कर रहे हैं और जो आप यहाँ पे शायद चित्रों में देख भी पा रहे हैं, बस की एक खस्ताहाल स्थिति है, यानी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसके हमें अस्थि पंजर भी काफ़ी कमज़ोर और पुराने से लग रहे हैं। कि रास्ते में कोई डाकू से खतरा नहीं, बस ये बस डाकिन है। अब डाकिन की शर्त में लेती है कि बस के द्वारा जो यात्री जो यात्रा करते हैं उनको शायद समय पर नहीं पहुंचा पाती है, उनका समय जो है खा जाती है। तो बस को जब उन्होंने देखा तो एक श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी है। खूब व्यवृत थी, जैसा कि हम किसी इंसानों प्रति देखते हैं जो उम्र में अधिक होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको देखकर श्रद्धा और एक हमारा जो भाव होता है वो अपने आप ही उनके लिए झुक सा जाता है। तो अब बस की जो हालत देखी थी काफ़ी उन्हें दयनीय स्थिति में लगती है, तो इस कारण में श्रद्धा से उम्र पड़ती है। सदियों के अनुभव के लिए निशान होती है, यानी बस ने काफ़ी लंबे सफ़र तय किए हैं, यानी काफ़ी वर्षों तक बस जो है सफ़र में रही है, यानी काफ़ी समय तक बस जो है चलती रही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती रही है। अब बस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उसको क्या कर दिया जाए, रख ही दिया जाए। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी इतनी पुरानी बस हो चुकी है, अगर कोई इसमें यात्री यात्रा करेगा तो उसे तकलीफ़ होगी, या इस बस को क्या करना चाहते हैं कि वह दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि वे इस बस की वृद्धावस्था पर थोड़ा क्या कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, इसलिए वह इस बस में सफ़र नहीं करना चाहते। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी अब इस बस को क्या किया जाए, केवल पूजा के लिए इसे खड़ा कर दिया जा सकता है, जिस पर यात्रा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें अगर यात्रा की जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं ये जाकर अगले को यात्रा में बाधा पड़ सकती है, या कहीं ना कहीं यात्रियों को वहीं पर रुका सकती है, उस पर सवार कैसे हो सकता है। तो यानी इतने सारे सवाल बस की स्थिति को देखकर जो दोस्त थे उन सब में ये मन में जो भाव थे या बातें थी वो चलने शुरू हो गई थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब यानी जो बस के जो मालिक है, जो एक सहभागी हैं, वो भी इसी में बस से ही यात्रा कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है, तो वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो हमने भी कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि चलती कैसे है, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती, यानी उस बस के लिए व्यंग जो है वो मित्र जो है व्यंग में कर रहे हैं कि अब उनके लिए और मौका तो था नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस बस का चयन किया था अब वो एक अंतिम बस बची है, जो शाम वाली बस है 4 बजे की। और जो बस की दयनीय स्थिति उसे देखकर उन्हें लगा भी नहीं था कि ये बस चल भी पाएगी क्या। जो जब कंपनी का हिस्सेदार उस बस में भी बैठा होता है, जब उसे बातचीत करते हैं तो वो बोलता है कि अभी चल पड़ेगी। तो हम आगा पीछा करने लगे, यानी जाने में आनाकानी करने लगे, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी जैसे हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा पुराने व्यक्ति होते हैं, पुराने मतलब बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अनुभवी होते हैं, तो बस के लिए भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा अनुभवी है।
नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी इसे इस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी देखिए किस तरीके से कि हमें बेटों की बात, यानी हमें सुरक्षित रूप से भी अपने गंतव्य तक, अपने जहाँ जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचा देगी। तो हम भी बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी फिर जो हम दोस्तों को जो विदा करने आए थे, जो हमारे साथ आए थे, जब हमें भेज रहे थे, तो वैसे देख रहे जैसे अंतिम विदा, यानी बस का कोई भरोसा नहीं है कि बस से आगे जाकर क्या हो सकता है, कि कुछ अनर्थ भी हो सकता है, तो वह हमें इस तरह विदा दे रहे जैसे कोई अंतिम विदाई हो। उनकी आंखें कह रही थी जैसे शाश्वत सत्य की बातें होती, कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, यानी जो इस जीवन में आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसको एक बार वापस से जाना ही पड़ेगा, उसकी मृत्यु जरूर होगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब रंक हो, चाहे वो फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए होता है, यानी आदमी को संसार से विदा होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक साधन चाहिए होता है, जो साधन क्या बनेगी, ये बस। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी इतने सब बातों के बीच में अब आगे जा बस से यात्रा शुरू करने थे, इससे पहले कि इंजन स्टार्ट हो गया था, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी हम देखते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हो जाती है, तो जब उसका इंजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, पूरी गाड़ी पूरी आवाज़ करने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी गाड़ी ही है जो क्या बन चुकी है, इंजन बन चुकी है। तो यहाँ पे जैसे बस स्टार्ट होती है, तो इतना मतलब आवाज़ जो इंजन जो उसका आवाज़ करता है, इतना तेज़ आवाज़ करता है, पूरी बस जो होती है खड़खड़ाने लग जाती है। तो उनमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारी बस इंजन बन जाती है और हम इंजन के भीतर बैठ गए हो, क्योंकि जैसे देखा जाता है नई गाड़ियाँ होती है, इंजन जब स्टार्ट होता है तो केवल इंजन का थोड़ा बहुत आवाज़ जो होता है वो सुनाई दे पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है कि पूरा इंजन जो है पूरी बस के साथ हिलता डुलता नजर आ रहा है। कांच बहुत कम था, जो खिड़कियों के कांच थे वो भी बहुत कम बच चुके थे, क्योंकि इतनी जर्जर अवस्था में, इतने काफ़ी समय होने के बाद वो जो कांच थे काफ़ी शायद टूट गए होंगे या बिखर गए होंगे। अब जो बचे थे हमें उनसे बचना था, क्योंकि अब जो कांच बचे थे, यानी कि टूट कर इतनी बस चलती खड़खड़ा कर चलेगी और ऐसे रास्ते पर चलेगी, तो शायद हो सकता है कुछ कांच टूट जाए और हमें लग जाए, तो हमें उन कांचों से बचना था जो अभी तक लगे हुए। तो हम फौरन खिड़की से दूर सटक गए, यानी हम खिड़की किनारे ना बैठकर दूसरी साइड में बैठ गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी आप देखते हो कि जो बसों में जहाँ इंजन होता है, जहाँ जहाँ ड्राइवर जो गाड़ी चालक होता है वह जब स्टार्ट करता है तो वहीं इंजन होता है, लेकिन जहाँ ये पीछे बैठे जहाँ सवारियाँ बैठती है, तो इन मित्रों को ऐसा लग रहा था कि इंजन हमारे सीट के नीचे लगा है, क्योंकि इतनी गड़गड़ाहट की आवाज़ जा रही है, पूरी बस खड़खड़ा रही है, तो एक डर का माहौल उनके अंदर धीरे धीरे से बैठ सा गया था। आगे देखें कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी ये बस की जो अवस्था है इसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद बस उस समय की होगी जब गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब किए थे, उस समय ये वक्त जो बस होगी शायद वो समय यात्रा कराती होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी उस आंदोलन में उसे इधर से लोगों को इधर उधर ले जाने में इतनी ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कोई भी हिस्सा जो था बस का वो सहयोग नहीं कर पाता, यानी वे अपने आप को अलग करने में था, यानी पूरी बस जो थी वो बिखरने की स्थिति जैसी हालात में वो बस नजर आ रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जोर से गुजरी, यानी इसके आंदोलन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो इन आंदोलन के जो अर्थ देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं होता है। जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जब ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए थे, तो उन्होंने इसमें ब्रिटिश सरकार जो हमारे अंग्रेज थे उनका पूर्णतया विरोध करना था, तो उसमें जब उन्होंने असहयोग आंदोलन लिया तो उन्होंने अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार, यानी पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, तो स्थिति पूर्वक अंग्रेजों की जो योजनाएं या उनके कार्य होता था उसको मना कर दिया जाता था, कि से विनय यानी विनम्रता के साथ अवज्ञा करना यानी आज्ञा को नहीं मानना था। तो पूरी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट जो थी वो गाड़ी की जो बॉडी होती है उसे असहयोग, यानी सीट भी जो थी खड़खड़ा कर यानी उखड़ने को तैयार हो रही थी, यानी सीट भी जो थी सही नहीं थी, कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, यानी कभी ऐसा धचका लगता है या फिर जब देखते हैं कि धक्का सा लगता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि सीट जो है वो कभी जहाँ लगी है वो से बॉडी को छोड़कर आगे जाना चाहिए। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, ये हमें ये समझ में, क्योंकि ये हमारे जो मन में उलझले चल रही थी बस को लेकर, उस यात्रा को लेकर, कि है ये हम समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि
क्योंकि ऐसी स्थिति उनके पास उत्पन्न हो गई थी जिसमें वे अपने आप के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एकाएक बस रुक गई और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में लगाने लगा। तो आगे जाकर क्या होता है कि काफ़ी बस जब आज 8-10 मील आगे पहुंच जाती है तो जैसा कि हम बस की स्थिति खस्ताहाल स्थिति देख ही रहे थे, तो आगे जाकर क्या स्थिति होती है कि जो बस रहती है उसके पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है जिससे जो पेट्रोल लेता है वो निकलने लग जाता है। तो ड्राइवर क्या करता है, बाल्टी में पेट्रोल निकालने लगता है और उसे बगल में रखता है और उसमें नली डालकर इंजन में उसे भेजने लग जाता है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और इस नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी अब वो जो इंजन है वो पूरी तरह से ख़राब सी स्थिति में हो चुका है। अब जो पेट्रोल बाल्टी में निकाला हुआ है शायद उसे अपने जो बस के हिस्सेदार हैं उसे बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकाल कर उसे अपने पास रखेंगे और उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कभी जो पेट्रोल या ऐसे पानी जो केरोसिन होते थे इनको जब किसी दूसरे पात्र में भरते हैं तो एक नलकी के द्वारा इनको दूसरे में क्या किया जाता है, भरा जाता है, क्योंकि इनको अगर यूँ लेकर डालने में काफ़ी गिरने की संभावना रहती है। तो अब इसे लाकर जैसे कोई बच्चे को क्या करा रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी मुँह में डालकर पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि अब तक की जो यात्रा रही थी उसमें उनको काफ़ी अंदाजा हो चुका था कि बस की जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति आ रही है। पूरी बस जो है खड़खड़ाहट करती नज़र आ रही है। सीट पे जिस पे बैठे हैं वो भी कहीं ऐसा लगता है कि उखड़ती सी नज़र आ रही है। अब लग रहा है कि कई बार ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब जो बाहर की प्रकृति जो देख रहे थे जिसमें पेड़ पौधे गांव हरियाली नज़र आ रही थी वो उनको काफ़ी लुभावने नज़र आ रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे उन्हें नज़र आ रहे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता है कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि अब बस की जो स्थिति या जो बस जो चल रही थी वो उसके चलते हुए देखकर भी हमें लग रहा था कि कहीं इधर बस जाकर इस पेड़ों से ना टकरा जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, यानी एक पेड़ निकले बाद दूसरे पेड़ का इंतजार करता और वे भी उसे अपने शत्रु की बात ही समझने लग जाता था। झील दिखती तो सोचता कि बस उसमें गोता लगा जाएगी, और जैसे झील वगैरह दिखाई नहीं लग जाती तो वह सोचता शायद बस से टकरा कर क्या हो जाएगी, इसी में चली जाएगी। तो आगे देख रहे थे बस की स्थिति, यानी वह जो यात्री थे जो यानी जो लेखक है वह इस समय देख रहे थे कि अब बस की जो भी पेड़ आते जा रहे हैं नज़र आते जा रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि वह दुश्मन की बात है कि यानी बेस से टकरा जाएगी और हमें कोई भारी नुकसान पहुंच जाएगा। अब जैसे ही कोई तालाब आता है झील नज़र आती है तो सोचता है कि बस इसमें चली जाएगी। एकाएक आगे जाकर क्या होता है, बस वापस से रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। यानी अब जो बस है पूरी तरह से क्या हो चुकी है, रुक सी चुकी है। अब ड्राइवर इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि वह किसी भी तरह से इस बस को स्टार्ट कर सके, चला सके। लेकिन अब देखिए आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यानी अब जो बस थी उसने क्या कर दिया है, अब सविनय अवज्ञा कर दी। यानी अब वह किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रही, यानी गाड़ी अब बस जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। यानी बस के हिस्सेदार फिर भी देखिए कि यानी बस की इतनी पुरानी खस्ताहाल स्थिति हो गई है कि वह आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति में भी जो बस के हिस्सेदार हैं, बस के जो सहभागी हैं, वे फिर भी अपनी जो प्रवृत्ति हटी प्रवृत्ति है उस पर अभी भी अड़े हुए हैं। यानी वे अभी भी यह नहीं मानना चाह रहे हैं कि बस में कोई तकलीफ या कोई गुंजाइश ही नहीं है, वे फिर भी बस क्या होगी, चलती सी जाएगी। तो ये एक व्यंगात्मक रूप में पाठ जो है हमारे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, और अगले वीडियो में हम पाठ को आगे जाके रखेंगे। धन्यवाद।